बड़ी सफलता हासिल मिली हुई है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाली कोई गैंग जो है बॉर्डर के इलाके में आसपास सक्रिय है। इस इंफॉर्मेशन को SHO CO हिंडोली को एक टीम गठित किया गया और उसकी रेकी करने के लिए पता लगाया, तो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि अलोद गांव के कुछ युवा लोग जो हैं वो इस गैंग के में सक्रिय सदस्य के रूप में भागीदार हैं। ये लोग एक सोनाली का ट्रैक्टर 745 रखते हैं, साथ में एक पिकअप रखते हैं और इन्होंने अब तक 2 नैनवा थाने की, 1 सदर, 2 तालेड़ा, 1 काछोला बीलवाड़ा, 1 देवली की और 1 नमाना, 1 देवड़ावास घाट पुलिस स्टेशन टोंक, कुल मिलाकर के 3 रेंजों के 3 जिले टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा की, इनसे अब तक दर्जनों वारदातें इनसे खुली है। और इसके साथ साथ इसमें 9 जो थानों के जो केसेज हैं उनकी रिकवरीज भी इनमें हुई है। टोटल कुल मिलाकर 14 अभियुक्त हैं और इसको बड़ा प्रोफेशनल ढंग से इसको वारदात को अंजाम देते हैं वारदात में। और विशेष रूप से ये जो ग्रामीण किसान जब अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं तो उस समय ये रात को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में छोड़ के जाते हैं, पीछे से आकर के ये अंधेरे का फायदा उठा करके उनके जो गरीब किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा लेते हैं और उनको चुरा करके अन्यत्र किसी दूसरे को बेच देते हैं, क्योंकि ट्रॉली बेसिकली इंजन नंबर और चेसिस नंबर नहीं होता है। तो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार, 5 अभियुक्त अभी गिरफ्तार किया गया है, बाकी 14 अभियुक्त हैं और भी इनके बाद जो भी अभियुक्त बनेंगे पूरी गैंग को हम ब्रश आउट करेंगे और इस केस को इफेक्टिव बना करके उस ऑप्शन में लेकर के सजा करेंगे। हमारी जो पुलिस टीम ने जो अच्छा कार्रवाई किया है उसको हम पुरस्कृत करेंगे। चित्तौड़ में और अलग जिलों में भी ये हो सकते हैं, स्वयं माधोपुर में भी हो सकते हैं, जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं। इसके अलावा MP बॉर्डर नज़दीक पड़ता था।